आज 22 जनवरी है और आज अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। जी हाँ, 500 वर्षों के तप के बाद आज प्रभु श्री राम अपने दिव्य महल में विराजेंगे और इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का जो फेमस राम मंदिर है उसको भव्य तरीके से सजाया गया है। बहुत ही अनुपम तरीके से इस दिव्य दरबार को सजाया गया है। आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि बहुत ही अद्भुत छवि दिख रही है और यहाँ पे श्रद्धालुओं की लगातार इतनी लंबी कतार में भीड़ लगी हुई है। हजारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु हैं। जो मंदिर का मेन गेट है वहाँ पे भी उस गेट को पूरी तरीके से खोला नहीं गया है क्योंकि श्रद्धालुओं की इतनी ज्यादा भीड़ है कि अंदर पे जाके बहुत ज्यादा व्यवस्था जो है इधर उधर हो जाएगी, इसलिए धीरे धीरे करके श्रद्धालुओं को अंदर जाने दिया जा रहा है और उनको दर्शन के लिए प्रभु श्री राम के दर्शन मिल पा रहे हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं तस्वीर में कि श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा है। कुछ श्रद्धालु हैं जो अपने श्री जय श्री राम के नारों से इस दिव्य दरबार को गुंजित कर रहे हैं। आइए, कुछ श्रद्धालु हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज जो उत्सव है वो किस तरीके से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। आइए जी, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है मैडम, इतने साल का सपना पूरा हो रहा है लोगों का, बहुत खुश है हम इस बात को लेकर। थैंक यू। यहाँ पे सभी वर्ग के लोग, युवा से लेके हर वर्ग के लोग प्रभु श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है उसको देखने के लिए उसी की कड़ी में आज यहाँ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के राम मंदिर आए हुए हैं प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। आगे आपको और भी तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पे एक भव्य LED लगा हुआ है जिसपे प्रभु श्री राम अयोध्या में जो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी उसको लाइव दिखाया जाएगा। आइए, उस LED को आपको कैमरामैन से बोलूंगी, यहाँ पे जो LED प्रोजेक्टर लगा हुआ है उसको दिखाएं और लोगों को बताएं कि किस तरीके से जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसको लाइव यहाँ पे दिखाया जाएगा लोगों को। लोग यहाँ पे रह के भी प्राण प्रतिष्ठा को देख पाएंगे। और भी श्रद्धालु हैं, वो बातचीत करना चाहते हैं और अपनी खुशी हम मीडिया के थ्रू लोगों को बताना चाहते हैं। आइए उनसे और भी चर्चा करते हैं। जी, आज का दिन, आज के जो आज से भविष्य में आएगा ऐसा कोई दिन नहीं है। आज का दिन इतना खुशहाल का दिन है कि ऐसा दिन ना भविष्य में कभी नहीं आ सकता। जितने कोविड के दिन बुलाए जा सकते हैं लेकिन आज का दिन कदापि नहीं बुला सकता है। और आज के दिन हर्षोल्लास का माहौल सिर्फ राम अयोध्या पे नहीं है, आज समझ लो छत्तीसगढ़ भी अयोध्या से कम नहीं है। इतना बेहतरीन माहौल है आज का और हम सब बहुत ज़्यादा आज भक्ति में डूबे हुए हैं, इसलिए हम सब मिल के एक बार जोर से बोलते हैं जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू। आप लोगों के विचार से जान पा रहे होंगे कि लोगों के मन में कितना ज्यादा उत्साह है और वो बहुत ही ज्यादा उत्साहित है। जितना दिवाली में इस चीज को लेकर उत्साह नहीं होता उतना आज के इस दिन को वो दिवाली की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। इतने वर्षों के बाद, इतने लोगों की तपस्या के बाद ये हो रहा है, हमें लिए बहुत बड़ी बात है, आज बहुत बड़ी खुशी के दिन है। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे मैम? आज इतना बड़ा दिन है, ये उत्सव है दिवाली की तरह, इस दिन को सेलिब्रेट। जय श्री राम, सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम। देख रहे हैं जय श्री राम के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा है और लोग बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज ही दिवाली है और इतना मजा आ रहा है, क्या बताएं। सच में राम जी आ चुके हैं और बिल्कुल इनकी पूजा के लिए जा रहे हैं। जय श्री राम। आज हमारे रायपुर में राम मंदिर जी का इतना बड़ा यहाँ पे पूजा करने वाले, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी की बात है, हर्षोल्लास की बात है कि आज राम का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। इतने सालों बाद राम हमारे धराधाम में आ गए। जय जय श्री राम। सभी के मन मस्तिष्क में जय श्री राम बसा हुआ है और बहुत ज्यादा ही लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। महाउत्सव के रूप में पूरे देश में ये उत्सव मनाया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से हमें जानकारी प्राप्त हुई है 5 लाख से अधिक लोग आज रायपुर के राम मंदिर में दर्शन करने वाले हैं। उसी की व्यवस्था को लेकर राम मंदिर समिति द्वारा एक गठन किया गया है जो आज इस पूरी व्यवस्था का संचालन कर रही है। और संध्या काल में यहाँ भजन संध्या होगी, रात्रि 8 बजे के समय आतिशबाजी होगी, प्रसाद ग्रहण दिन भर चलता रहेगा और पूरे समाज में उत्साह है, पूरे देश भर में भगवा में उत्साह है, एक हिंदू राष्ट्र की कल्पना साकार होने जा रही है। आज बहुत खुशी का दिन है कि पूरे विश्व में, पूरा भारतवर्ष में आज पूरा राम जी के प्रतिष्ठा उत्सव बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। ये रायपुर शहर का राम मंदिर भी आज इसी उल्लास में एकदम सभी भक्तों के साथ मना रहा है। जय श्री राम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि राम में की गूंज पूरे परिसर में है और ये पूरे परिसर में नहीं पूरे भारत में इसी तरीके से राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसकी खुशी पूरे देश में ही है। और आज इसी कड़ी में हम राम मंदिर आए थे और यहाँ पे भी भक्तों की जो भीड़ है वो लगातार बनी हुई है और लाखों की संख्या में यहाँ पे भीड़ लगातार
भव्य तरीके से सजाया गया है। ये राम मंदिर ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा सुंदर है, यहाँ आने में बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है, बहुत ही पीसफुल है। बट आज जो दिन है बहुत ही खास बनाने के लिए इस परिसर को और भी अनपन तरीके से बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। देख रहे हैं आप श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं तो भगवा रंग में रंगे हुए दिख रहे हैं और जय श्री राम के नारों से ये परिसर गूंज उठा है। लगातार ही श्रद्धालुओं की भीड़ बनी हुई है, लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं जय श्री राम के नारों से। कुछ सेल्फी जोन भी बनाए गए हैं, उस पर लोग अपना उत्साहवर्धन अपने तरीके से सेल्फी ले रहे हैं और लोग लगातार इस परिसर में लगातार आ रहे हैं। इस परिसर में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बनी हुई है। कैमरा पर्सन शिवा के साथ समय टाइम्स के लिए प्रियंका साहू, रायपुर छत्तीसगढ़।